हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये है हमारे रोज का प्लांट और कितना ही प्यारा लग रहा है। इसका कलर, इसका साइज, इतना सुंदर और इतना प्यारा और इतना यूनिक कलर, कितना अच्छा लग रहा है हमारे प्लांट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी प्लांट के बारे में और एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि अभी फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन चल रही है। तो आइए बात कर लेते हैं उस बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल बटन है उसे जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे जो जितने भी वीडियोस हों उनके सभी के नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत ही मिल पाए और आप मेरे सभी प्रकार के वीडियोस के लाभ तुरंत ही उठा पाए। उसके अलावा दोस्तों, मेरा जो गार्डनिंग का प्लेलिस्ट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो है वीडियो के एंड में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। पर उसको देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं गर्मियों में कि हम हमेशा पत्तियों पे शार करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर पत्तियों पे पानी ठहर गया, यानी कि वो इवेपरेट नहीं हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक रह गया, या फिर उसमें कोई भी बैक्टीरिया जाकर उन पानी में चिपक गए, या कुछ ऐसा हुआ जो कि फंगस उड़ के आ गया, या कुछ भी इसमें अगर लग गया, या कोई तरीके का इन्फेक्शन पकड़ लिया, तो ये प्लांट जो है वो इस तरीके की बीमारी का शिकार हो जाता है। और फिर इस वजह से ये धीरे धीरे फैलता जाएगा और बाकी के आपके प्लांट को भी खराब कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी कि हम इसमें खूब सारी वॉटरिंग कर रहे हैं, पानी जो है, मिट्टी जो है वो हमेशा ही गीली रह रही है, या फिर जो है हमने बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया है इसको, एकदम एक्सट्रीम और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फर्टिलाइज़र दे दिया है, इस वजह से भी ये हो जाता है। या फिर दोस्तों, एक और रीज़न है कि अगर आप इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, यानी कि आपने नीम ऑयल का किया या किसी भी पेस्टिसाइड का छिड़काव किया और उसी टाइम पे आपने जो है फर्टिलाइज़र भी दे दिया, दोनों चीज़ें अगर आपने साथ में दे दी है तो कभी कभी किसी किसी प्लांट में ये रिएक्ट कर जाता है। इसलिए मैंने अपने वीडियोज़ में कहा है कि कम से कम 3 से 4 दिन का डिफरेंस रखें तो इस तरीके की बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या क्योर है इस बीमारी का। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये होता क्यों है और क्या रीजन है इस तरीके से प्लांट की जो है ये हालत होने में, इस तरीके से ब्लैक स्पॉट, ये येलो पड़ के पत्तियों का गिर जाना, ये क्यों होता है, क्या कारण होता है, इसके क्या उपाय हैं। आइए बात कर लेते हैं सभी प्रकार के इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे। देखिए दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं गर्मियों में कि हम हमेशा पत्तियों पे शार करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर पत्तियों पे पानी ठहर गया, यानी कि वो इवेपरेट नहीं हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक रह गया, या फिर उसमें कोई भी बैक्टीरिया जाकर उन पानी में चिपक गए, या कुछ ऐसा हुआ जो कि फंगस उड़ के आ गया, या कुछ भी इसमें अगर लग गया, या कोई तरीके का इन्फेक्शन पकड़ लिया, तो ये प्लांट जो है वो इस तरीके की बीमारी का शिकार हो जाता है। और फिर इस वजह से ये धीरे धीरे फैलता जाएगा और बाकी के आपके प्लांट को भी खराब कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसमें
पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी कि हम इसको खूब सारी वाटरिंग कर रहे हैं, पानी जो है मिट्टी जो है वो हमेशा ही गीली रह रही है, या फिर जो है हमने बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया है इसको, एकदम एक्सट्रीम और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फर्टिलाइज़र दे दिया है, इस वजह से भी ये हो जाता है। या फिर दोस्तों एक और रीज़न है कि अगर आप इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, यानी कि आपने नीम ऑयल का किया या किसी भी पेस्टिसाइड का छिड़काव किया और उसी टाइम पे आपने जो है फर्टिलाइज़र भी दे दिया, दोनों चीज़ें अगर आपने साथ में दे दी है तो कभी कभी किसी किसी प्लांट में ये रिएक्ट कर जाता है। इसलिए मैंने अपने वीडियोज़ में कहा है कि कम से कम 3 से 4 दिन का डिफरेंस रखें तो इस तरीके की बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या क्योर है इस बीमारी का। वैसे तो दोस्तों मैं सबसे पहले कहूँगी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हम पहले ही इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करें और ओवर वाटरिंग ना करें, पर इतनी ड्रेनेज होने चाहिए, ड्रेनेज होल इतना काम करना चाहिए कि इसमें पानी रुके ना बिल्कुल भी। फर्टिलाइज़र दें तो एकदम ही प्रॉपर मात्रा में दें, कहीं से भी ज़्यादा ना हो, कहीं से भी किसी तरीके का प्लांट को हार्म ना हो। देखिए ये प्लांट अब ख़राब हो गया ना ये पत्तियाँ, तो अब हम इसे हटानी पड़ेगी तो हमें बुरा लगेगा, तो हम पहले से ही इतने प्रिकॉशन रखें कि हमारी ये स्थिति ना ही आए। पर अब जब ये स्थिति आ गई है तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि इस जी ये जो ब्रांच देखिए मेरे इसी ब्रांच में बस आए हैं और इसके नीचे से ये देखिए नई ब्रांच निकल रही है, तो मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ से सारे जितने भी पत्ते हैं उन सभी को मैं तोड़ दूँ, क्योंकि जो एक बार पत्ता खराब हो गया ना फ्रेंड्स वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि इन सभी पत्तों को इधर से हटा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं हर पत्ते को यहाँ से तोड़ देती हूँ। काटे हैं दोस्तों इसमें तो संभल करके कीजिएगा, आप सीजर का भी उपयोग कर सकते हैं, मुझे अपने प्लांट्स में हाथ से ही करना अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्यों मेरे साथ ऐसा है कि मुझे ना अच्छा लगता है अपने हाथ यूज़ करना, मैं कभी ग्लव्स भी नहीं पहन लेती, मतलब टूल्स आपने देखा है मैंने टूल्स वाले वीडियो में मंगाया भी था, बट मेरा मन ही होता मुझे अपने प्लांट्स हाथ से ही छूने अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से मैं हाथ से ही करती हूँ सारे काम, मिट्टी से कुछ भी करना हो, लोगों को लगता है कीचड़ कीचड़ कर रहे हैं, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने हाथों से ही छूना अच्छा लगता है मेरे प्लांट को, उन चीज़ों को जिसमें मैंने मेहनत करके इतना बड़ा किया है, एकदम प्यारे प्यारे बच्चों जैसे लगते हैं मुझे अपने। इस तरीके से मैंने इतनी मुश्किल से इसको बड़ा किया है, तो मैं इसे अपने हाथों से ही छूना पसंद करती हूँ, अपने हाथों से फील करना पसंद करती हूँ। देखिए ये है इधर के मैंने निकाल दिए हैं, पर इसमें क्या है ये भी इधर पे ही था, तो इसमें भी इन्फेक्शन लगने की संभावना है, लगा ही होगा, तो मैं इसको भी निकाल ही दूंगी, भले ही ये साफ दिख रहा है अभी, बाकी इसमें बैक्टीरियाज तो होंगे ही, तो मैं इसको निकाल ही देती हूँ। देखिए दोस्तों ये पूरा जो है ये ब्रांच जो दिख रही होगी आपको ये पूरी ही खाली हो चुकी है, और इसके नीचे की जो पत्तियां ये देखिए नया ब्रांच जो निकल रहा है, इधर पे ये नई पत्तियां जो है बिल्कुल ही ठीक हैं, कुछ भी नहीं हुआ है इनमें, ये भी सब ठीक है। तो अब मैं जो है ये प्लांट जो है हमारा वो बिल्कुल ही फ्री हो चुका है इस तरीके की जो है पत्तियों से, इस तरीके की बीमारी से। अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर आपके में ज़रा सा देखिए जैसे मेरे में कुछ ही पत्तियों में लगा हुआ था, ज़रा सी पत्तियाँ थी, पर अगर आप में ज़्यादा लग गया है तो आप इसमें जो है फंगीसाइड जो आता है लिक्विड वाला उसका छिड़काव करें, किसी भी गार्डनिंग शॉप में मिल जाएगी आपको वो इस तरह की लिक्विड। बट अगर आपके में ज़रा सा लगा है तो आप क्या कीजिए कि 1/4 चम्मच सोडा 1 लीटर पानी में मिला करके और उसमें इसका छिड़काव कीजिए, बहुत ही अच्छे से चलेगा ये पौधा और किसी तरीके की कोई भी नुकसान नहीं होगा इस पौधे में, फ्लावरिंग भी चलती रहेंगी। देखिए कितने अच्छे फ्लावर हुए हैं, ये एक फ्लावर एक ये कली भी हुई है, देखिए अगर आप देख पाएंगे तो ये रही कली, ये इस तरीके से कली भी हुई है, और ये जो देखिए ये जो राइट ग्रीन है ना ये नए पत्ते हैं, और ये जो पुराने हो चुके हैं वो डार्क ग्रीन है, ये देखिए
ये सब डार्क ग्रीन पत्ते हैं। देखिए पत्तों का साइज ही इतना, देखिए पत्तों का साइज बताता है कि प्लांट कितना हेल्दी है। अगर आपके पत्ते अच्छे बड़े बड़े हैं, मेरे पत्ते देखिए कितने अच्छे हैं, ये अगर आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े पत्ते, शिट ये इधर पे भी है एक आध दो थे शायद, ये इसको भी तोड़ के मैं हटा देती हूँ। देखिए इसमें भी ब्लैक स्पॉट आ रहा था, तो इस तरीके से पत्तों को निकाल देना चाहिए। मैं इसको भी निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आपका पत्ता इतना बड़ा बड़ा है, मतलब उसके पत्तों के साइज से पता चलता है कि वो प्लांट कितना हेल्दी है। देखिए रोज के पत्ते इतने बड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट रहता है ये। तो आपके पत्ते अच्छे बड़े होने चाहिए, तभी आपके प्लांट की जो है हेल्थ वो डिसाइड हो पाएगी। तो ये है मेरा प्लांट और देखिए इसमें भी कली निकली हुई है एक बहुत ही प्यारी सी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा प्लांट, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गर्मी जब यहाँ पे आज 42 डिग्री सेल्सियस है, तब भी इतना प्यारा प्लांट खिला हुआ है। मैंने इसको ग्रीन शेड में रखा हुआ है, ग्रीन शेड नहीं मैं ऑरेंज शेड कहूँगी, क्योंकि मैंने जो DIY बताया था अपने प्लांट्स को लेकर के, जो है ग्रीन शेड को लेकर के, वो मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोस्तों ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने बात करी थी कि अगर आप ग्रीन शेड जो है अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरीके का कोई पुराना कपड़ा हो, फटा चिथड़ा पुराना सा, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से, ये मेरे यहाँ पर पुराना जो है चादर रखी हुई थी मेरे यहाँ पे, उस चादर को देखिए बीच में फट भी गए हैं, बट मैंने छोड़ दिया है कि बीच में ज़रा सी धूप आती रहती है, अच्छा लाइट आती रहती है उससे। उसके डायरेक्ट नीचे कोई प्लांट नहीं रखा है मैंने, तो उसमें से हल्के से धूप आती रहती है ना, तो इनको सनलाइट भी प्रोवाइड होती रहती है, अच्छी रोशनी मिलती है। तो इस तरीके से मैंने इस बेडशीट को जो है लगा रखा है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है मेरे प्लांट्स में। आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से खिल रहे हैं फ्लावर्स मेरे प्लांट के। तो इस तरीके से ये DIY जो है मेरे यहाँ DIY ग्रीन शेड में रखा हुआ है और बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा प्लांट, ये वाला भी, और मेरे बाकी के प्लांट्स जो हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, ये है डायनथस के पौधे और देखिए देखिए मेरी 41 डिग्री सेल्सियस में भी कितने ज़्यादा फ्लावर्स खिले हुए हैं, इतने प्यारे फ्लावर्स, इतने सारे फ्लावर्स, वो भी अप्रैल के महीने में जब मेरे यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस है और इतने अच्छे से इसके प्लांट्स खिले, इसके फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो अगर आपने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो मैं उसको भी वीडियो के एंड में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके बगल में जो बेल बटन है उसे जरूर दबाइएगा और अगले वीडियो का बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ इंतजार कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।